ये शिवखोड़ी धाम उत्सव में कहा जा भोले शंकर की तपस्या की थी भस्मासुर और राक्षस ने, और भोले बाबा से वरदान मांगा कि प्रभु मेरे को ऐसा वरदान दे दो मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। जय माता दी, हर हर महादेव। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आप में से बहुत सारे भक्त माता रानी की यात्रा करने के बाद भगवान शंकर के दर्शन करने शिवखोड़ी यात्रा पर जाते हैं, और आप में से बहुत सारे भक्तों का काफ़ी कमेंट आ रहा था कि सर शिवखोड़ी यात्रा पर एक वीडियो लेकर आइए, कंप्लीट जानकारी दीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम आपको घर बैठे लॉकडाउन के बाद पहली बार शिवखोड़ी यात्रा कराने वाले हैं, और इसकी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं कि आप कैसे भगवान शंकर के दर्शन करने शिवखोड़ी यात्रा पर जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप घर बैठे हाथ जोड़कर आज भगवान शंकर के प्रवेश द्वार के दर्शन करें, जिसे हम शिवखोड़ी यात्रा का प्रवेश द्वार कहते हैं। यहीं से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है। अगर आप कभी भी माता रानी के दर्शन करने के बाद भगवान शंकर के दर्शन करने शिवखोड़ी यात्रा पर आते हैं तो आपकी शुरुआत यहीं से होती है। आज की इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, क्योंकि संपूर्ण जानकारी आज की इस वीडियो में आप तक पहुँचने वाली है। सबसे पहले अगर आप माता रानी की यात्रा करने के बाद भगवान शंकर के दर्शन करने शिवखोड़ी यात्रा पर जाना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है आपके पास कि आप कटरा से बाई बस आ जाइए, और दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि आप प्रीपेड टैक्सी ले लीजिए। हालांकि प्रीपेड टैक्सी का कॉस्ट ज़्यादा होता है, और प्रीपेड टैक्सी से अगर आप आना चाहते हैं तो ग्रुप में आइए, वो आपके लिए काफी बेटर और सुटेबल रहेगा। फिलहाल अभी बसेस भी ज्यादा नहीं चल रही हैं, तो आपको जाहिर सी बात है कि टैक्सी प्रीफर करना होगा। ऐसे में दोस्तों अगर हम बात करें यात्रा का, तो यात्रा का सीन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल इस समय अगर आप माता रानी की यात्रा करने के बाद भगवान शंकर के दर्शन करने शिवखोड़ी यात्रा पर आना चाहते हैं तो किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। यात्रा करने से पहले आपके पास यात्रा पर्ची होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप जाकर ऑनलाइन भी यात्रा पर्ची पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप कैसे ऑनलाइन यात्रा पर्ची ले सकते हैं शिवखोड़ी यात्रा के लिए, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिएगा, आपको काफी हेल्प मिलेगा। अगर इनकेस आप ऑनलाइन नहीं भी निकालना चाहते तो आप यहां पहुंचकर भी यात्रा पर्ची ले सकते हैं शिवखोड़ी यात्रा के लिए। अगर हम बात करें कि आप शिवखोड़ी यात्रा में जा रहे हैं तो किस तरीके का आपको कोविड टेस्ट का प्रॉब्लम झेलना होगा, तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल देखिए अगर आप माता रानी की यात्रा पर आते हैं और कटरा में ट्रेन से आते हैं या फिर फ्लाइट से आते हैं तो आपके पास ऑलरेडी कोविड टेस्ट का रिपोर्ट होता है। जो रिपोर्ट रहता है ना, वो यहां पर पूरी तरीके से वैलिड रहता है, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन इन केस अगर आपका टाइम इंक्रीज हो जाता है या फिर टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, 48 घंटों से ऊपर हो जाता है, फिर भी आपका यहाँ दोबारा टेस्ट हो जाएगा, छोटा सा 10 मिनट में रिपोर्ट मिलेगा, और वो रिपोर्ट लेकर आप शिवखोड़ी यात्रा पर जा सकते हैं, कर सकते हैं। देखिए दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको सामने दिख रहा होगा कि फिलहाल अभी भी यहाँ पर श्रद्धालु की उतनी ज़्यादा चहल पहल नहीं बढ़ रही है जैसे कि माता रानी की यात्रा में चहल पहल देखने को मिल रही है। हालांकि आने वाले दिनों में पूरा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि भगवान शंकर के दर्शन करने ज़्यादा से ज़्यादा भक्त पहुँचेंगे और भगवान शंकर के दर्शन पूरी तरीके से सफल बनाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की, तो यहाँ के लोगों की भी हालत उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपको ही पता है दोस्तों कि जहाँ पर अगर संख्या कम हो जाए या फिर लोग ना आए तो वहाँ के लोगों का इकोनॉमिक कंडीशन किस तरीके का हो जाएगा। बात करें अगर हम शिवखोड़ी यात्रा में चलने वाले सर्विसेज की, तो यहाँ पर आपको घोड़ा पिट्ठू मिलेगा, और ये सर्विस पूरी तरीके से चल रहा है, जो कि आप इस वीडियो में पूरी तरीके से देख पा रहे हैं। मेरा यही मोटिव होता है कि आपको सही और संपूर्ण जानकारी दी जाए, ताकि अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं आपको एक जानकारी और शेयर कर दूं, अगर आप शिवखोड़ी यात्रा पर जा रहे हैं और वहां पर रुद्र अभिषेक कराना चाहते हैं या स्पेशल आरती कराना चाहते हैं तो भी आप ऑनलाइन भी इसकी बुकिंग करा सकते हैं, और साथ ही साथ वहां पर जाकर काउंटर से भी इसकी बुकिंग करा सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। अब आगे हम चलते हैं और पंडित जी की थोड़ी सी बात सुनते हैं कि वो क्या हमको इसके बारे में बता रहे हैं। देखो ये शिवखोड़ी धाम उत्सव में कहा जा भोले शंकर की तपस्या की थी भस्मासुर राक्षस ने, और भोले बाबा से वरदान मांगा कि प्रभु मेरे को ऐसा वरदान दे दो मैं जिसके भी सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। भोले बाबा ने भस्म वरदान दे दिया, और नारद मुनि ने क्या किया, भस्मासुर को भटका के प्रभु के पीछे लगा दिया। तो उस समय शंकर भगवान महापार्वती गणेश जी को लेके इस पहाड़ में त्रिशूल मारा, गुफा जहाँ से लेके अमरनाथ तक बन गई, और भोले बाबा इस गुफा के भीतर में पूरे परिवार के साथ बैठ गए, जिसके अंदर भस्मासुर ने हट किया जो अंदर नहीं जा सके। फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके भस्मासुर को भस्म किया, और 33 कोटि देवी देवताओं ने यहाँ आरती पूजा की। और शिवखोड़ी का धाम जो 33 कोटि देवी देवताओं का दर्शन है, जो भी भक्त यहाँ दर्शन करके जाते हैं उन भक्तों की चार धाम की यात्रा संपूर्ण होती है, वो भी जो मनोकामना करते हैं वो मनोकामना पूरी होती है। लॉकडाउन के कारण पुरानी गुफा का गेट बंद है, नहीं से यात्री आने जाकर दर्शन करते हैं। जय जय भोलेनाथ।
हर हर महादेव दोस्तों, सामने जो आप अद्भुत दर्शन कर पा रहे हैं वो भगवान शंकर के शिव खोड़ी गुफा की दर्शन है। हाँ दोस्तों, आगे आप जैसे ही बढ़ेंगे इस गुफा के अंदर जाएंगे और भगवान शंकर के अद्भुत अनोखे दर्शन को आप प्राप्त करेंगे, जो कि एक अपने आप में अद्भुत और अनोखा है। मैं आपको बता दूं कि कहा यह भी जाता है कि यहां से एक ऐसा रास्ता जाता है जो कि अमरनाथ को जोड़ता है, और अपने आप में एक बहुत सुंदर आप घर बैठे कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा प्यारा दर्शन है। दोस्तों ध्यान रखिए, अगर हम बात करें यहाँ के सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपका जाने का मन है, आप बिल्कुल जाइए, किसी प्रकार का कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। सामने जो आप चीज़ देख रहे हैं, यहीं से आपको आगे बढ़ना होगा और धीरे धीरे आप भगवान शंकर के दर्शन करने आगे पहुँचेंगे। अब देखिए, हम पहुँच चुके हैं सीढ़ियों पर और अब हम जा रहे हैं भगवान शंकर के अद्भुत दर्शन प्राप्त करने। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप माता रानी की यात्रा करने के बाद कहीं जाने का प्लान बना रहे, तो एक बार शिव खोड़ी यात्रा पर ज़रूर जाएँ। वहाँ पर जाकर आप भगवान शंकर के अद्भुत दर्शन प्राप्त करें, जिससे आपका मन बहुत ज़्यादा सुंदर और पवित्र हो जाए। साथ ही साथ अगर आपको नेचर से लव है, अगर आप नेचुरली चीज़ें ज़्यादा देखना चाहते हैं, तो भी आप शिव खोड़ी यात्रा पर जाएँ। यहाँ पर जाने के बाद आपका मन बहुत प्रसन्न होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको नेचुरली चीज़ें ज़्यादा देखने को मिलेंगी, आप प्राकृतिक चीज़ों को ज़्यादा देख पाएंगे। ऐसे में दोस्तों ये भी बहुत अच्छा स्पॉट्स है भगवान के दर्शन करने का, यहाँ पर जाने का और लोगों के थ्रू इंजॉय भी करने का, ताकि आपका मन बहुत प्रसन्न हो और आप अच्छे से दर्शन कर पाए। अगर हम बात करें कोविड प्रोटोकॉल का, तो यहाँ पर भी पूरी तरीके से आपको कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करना होगा, मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजर यूज करना होगा। देखिए ये चीज़ आप अपने सेफ्टी के लिए करते हैं, इसलिए आप ये चीज़ अगर कर रहे हैं तो आप अपने ध्यान से करें और अपने लिए करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरत है। अब हम आ चुके हैं ऊपर और आप देख सकते हैं किस तरीके का हमें लोकेशन देखने को मिल रहा है। भगवान शंकर के दर्शन करने में बहुत सुंदर मिलता है, अद्भुत आनंद मिलता है और बहुत सुख मिलता है। हमारे महादेव जो है ना दोस्तों, वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं, हम लोग पे काफ़ी मेहरबान रहते हैं। अब आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पर, देखिए लोगों का कितना ज़्यादा बुरा कंडीशन है। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, अगर आप शिव खोड़ी यात्रा पर जा रहे हैं ना, लोगों से 10 रुपये का ही सामान खरीदिए, लेकिन ज़रूर से खरीद के आइए, ताकि उन्हें ऐसा फील हो, उन्हें निराशा ना हो, वो ये सोचे कि चलो यार अब श्रद्धालु आ रहे हैं, उनके मन में पॉजिटिव थिंकिंग आए, वो ये सोचे कि चलो यार अब धीरे धीरे हमारे सामान बिकना शुरू हो गए हैं, अब हमारी इकोनॉमिक कंडीशन थोड़ी अच्छी होगी। तो मैं आपसे होप करूंगा कि आप जाएंगे तो वहां पर जाकर सामान वगैरह परचेस जरूर करेंगे। अब बात करते हैं कि शिवखोड़ी यात्रा में मौसम और किस तरीके का हालात है। तो फिलहाल मैं आपको बता दूं कि देखिए मौसम काफ़ी अच्छा है, अगर आप जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन हाँ ठंड है, ये ध्यान रखिए, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पहाड़ी इलाका है, तो आपको ठंड तो देखने को मिलेगी, इसलिए आप गर्म कपड़ा ज़रूर से लेकर जाइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर हम बात करें हालात की, तो मैंने पूरी वीडियोज़ में आपको संपूर्ण आज के दर्शन कराए हैं शिवखोड़ी यात्रा के, जिससे आप हालात के बारे में समझ जाएंगे। इसलिए दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों को ये वीडियो शेयर करें, ताकि और भी भक्त माता रानी की यात्रा करने के बाद भगवान शंकर के दर्शन करने शिवखोड़ी यात्रा पर ज़रूर जाएं। और अगर हम बात करें वहाँ पर एक फैसिलिटी की, तो मैं आपको फिर से बता दूं कि वहाँ पर आपको एक लॉकर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपने सामान को जमा करने के बाद भगवान शंकर के दर्शन करने अंदर गुफा में जा सकते हैं, और दर्शन करके फिर बाहर आएंगे तो अपने सामान को ले सकते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे, इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें, दूसरों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि और लोगों को हमारी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए, वो भी माता रानी की यात्रा करने के बाद भगवान शंकर के दर्शन करने जा पाए, उन्हें पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिल पाए। मेरे पास जितनी इन्फॉर्मेशन थी, मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन आप तक शेयर की है। होप्स ऑफ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर बताइएगा, कॉमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा, और जय माता दी तो आपको लिखना ही है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक जुड़े रहिए आपके अपने प्यारे से चैनल के साथ, देखते रहिए ट्रेंड अर्डर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद, जय माता दी, हर हर महादेव।